चपाटी ध्यान दोगे। देखो आप फिर बोलोगे सर फिर मुद्दा उठा दिया आपने। देखो साहब ने बोला कि ये क्वेश्चन जो है वो सोल्ट में नहीं आ सकता, इसी बार का है सीजल 2024 प्री का ही, जो 9 सितंबर की शिफ्ट हुई है अभी, ठीक है, 9 सितंबर की जो शिफ्ट हुई है अभी उसी का क्वेश्चन है। और ये क्वेश्चन इतना लंबा तो नहीं है, ठीक है, मतलब इसकी कैलकुलेशन, मतलब क्वेश्चन ठीक है, आप ये बोल सकते हैं सर डिजिट्स का यूज किया गया, कैलकुलेटिव था, बहुत सारे बच्चों के शिफ्ट में आया होगा, जिसके आया होगा वो भी इस चीज को चेक करेगा कि हाँ सर ये क्वेश्चन इस तरीके से हमारे शिफ्ट में आया था। लेकिन बेटा इतना लंबा सोल्यूशन तो मतलब इसका जायज नहीं है। और फिर आप मुझे बोलते हो कि सर मतलब सर तो सारे क्वेश्चंस को शॉर्ट बताते, तो बेटा ऐसा नहीं है। देखा देखो ध्यान दे, यहाँ देख मैं आपको इसके दो तरीके बताता हूँ, तो चीजों को ध्यान से सुनने की जरूरत है, आप समझ लेना, अगर कोई दिक्कत होगी तो आप मुझे बताना जरूर, ठीक है, ध्यान देंगे आप इस बात के ऊपर। देखो क्वेश्चन क्या कहता, देखो इसने कहा है देयर वॉज टू कैंडिडेट्स इन एन इलेक्शन एंड वाई परसेंट पीपल डिड नॉट वोट, वाई परसेंट ने वोट नहीं दिया, तो अगर मैं से मान लू ए थे तो टोटल इसमें से इतने ने वोट नहीं दिया। ध्यान दोगे अगर आप इसे इस तरीके से लिखोगे तो तेज कर पाओगे आप, 10% ने वोट कास्ट नहीं किया, इसका मतलब 10 से 9 लोग, 10 से कितने लोग, 9 लोग, 10% का मतलब 1/10, 10 अगर टोटल वोट होते तो 1 वोट इनवैलिड होता, तो इसका मतलब 9 वोट कैसे हैं वैलिड होंगे। इसके बाद देखो 59.375% ऑफ वैलिड वोट्स मिल गए हैं किसको, विनर कैंडिडेट को, तो मेरे भाई 59.375 विनर को मिले, तो इसका मतलब 100 में से अगर हम इसे घटाएं तो 60, देखो 60 से 40 आगे चाहिए होगा, और इसमें से आप देखोगे 1000 में से अगर हम इसको घटाएंगे तो 7 ये बचेगा, 25 625 ये बच गया, ठीक है, 1000 में से अगर आप घटाओगे तो 300 घटाए 700, उसमें से घटाएंगे तो 625 ही रह जाएगा। अगर हम इसका गैप देखते 40 और 59 का गैप देखते 19 होता तो 19 नहीं क्योंकि ये बड़ा है, तो इसका मतलब 18.75 बचेगा, बचेगा ना इसमें से इसको घटा के 7.5, ठीक है, तो 18.75। अब देखो जिसने थोड़ा सा मैथ्स पढ़ा वो जानता 6.25% कितना होता, 1/16 होता, तो देखो मेरे भाई इससे 3 गुणा है ना ये, तो इसका मतलब इसमें भी अगर 3 गुणा करते तो ये 3/16 बन जाएगा, 3/16 इसका मतलब ये 16 है, तो यहाँ रेशियो लिख सकते 3। अब देखो ये टोटल वोट्स हुए, तो टोटल वोट्स इसने दिए हुए हैं कि सर 16,000 है, मतलब ये बराबर है किसके, 16,000 के, इसको देखो इसकी गुणा करेंगे तो इसने वैल्यू दी हुई है 2484, मतलब क्या हुआ कि सर इन तीनों की गुणा इसके बराबर, मतलब अगर इनकी गुणा से ऐसा भाग देते एक ही वैल्यू आ जाएगी, तो इसकी गुणा से इसको भाग दिया तो वैल्यू एक ही आई 100। अब इससे भाग देंगे मतलब इसकी गुणा से, तो देखो 9 और 3 से भाग देना है, तो मैं इसको हटा दे रहा हूँ, ध्यान से समझेंगे, जब 9 से आप भाग दोगे देखो 9 2 18 6 बज गए आपके, 9 7 63 है, तो 5 9 6 64 तीन से आराम से कट जाएगा, 3 9 27 3 2 तो 92, तो मतलब ए की वैल्यू अगर 100 है तो बी की वैल्यू 92, तो मतलब 100 लोग टोटल थे तो 92 ने वोट दिया, तो कितने ने नहीं दिया, 8% ने, क्योंकि ये सीधा 100 है तो 8% आप इसका आंसर कह सकते हैं। एक तरीका तो इसका ये हुआ, ठीक है, जो आप उससे तेज कर पाओगे, मतलब उसमें इतना ज्यादा लिखना पड़ेगा और इसमें इतना ज्यादा नहीं लिखना पड़ेगा, आप जल्दी कर पा रहे होंगे, ठीक है। अगर आपको फिर भी लगता हो कि सर नहीं ये मुझे थोड़ा सा कम पल्ले पड़ रहा है, तो मैं आपको एक और मेथड आपको इसका बता देता हूँ, ध्यान देंगे बेटा। देखो टोटल वोट है 16,000, 16,000 में से इसने कहा कि 5% ने वोट नहीं दिया, मतलब मैं इसे ए बाई बी लिख दूं, जितने परसेंट ने वोट दिया, ठीक है, उल्टा करके 10% है, तो 10% का मतलब देखो 1/10 है, तो मतलब 10 टोटल है, तो एक कैसी होगी, एक कैसी होगी इनवैलिड, तो वैलिड कितने हो गए सर, 10 में से 9 हो गए वैलिड। इसके बाद ध्यान देना बेटा, ये मैं आपको अभी समझा के आया था कि सर इसमें से इतने मिले विनर को, तो लूजर को मिलेंगे 40.675%, तो जीतेगा, जीतेगा कितने वोट से, इसका गैप कितना था, 18.75% गैप था, इसको हम फ्रैक्शन में 3/16 कहते हैं, ये बात मैंने आपको अभी समझाई थी जस्ट लास्ट में, तो ये बराबर होगा 2484 के, दिया हुआ ना क्वेश्चन में 2484, ठीक है। तो जैसे हमने देखो 16 और 10 से काटेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 16,000 था तो 100 बन गया, ठीक है। अब देखो इसे आप 9 से काटोगे तो 9 से काटने का मतलब 9 2 18, 9 7 63 और 9 6 54, तो 3 से काटोगे 3 9 27 और ये हो गया 2, तो देखो ये ए बाई बी है, हमने यहाँ से ए बाई बी लिखा, इस तरफ तो 92 था और इस तरफ था 100, तो 100 टोटल वोट थे, तो 92 लोगों ने वोट दिया, तो कितने लोगों ने नहीं दिया, इसका मतलब 8 लोगों ने नहीं दिया, 100 पे चल रहा है मामला, तो सीधा क्या कह सकते, 8% कह सकते। तो इस क्वेश्चन को दो तरीके से लिखा जा सकता था, तो मतलब उस मेथड को आप ऐसा नहीं कह सकते कि सर आप इसका छोटा मेथड नहीं है, सर ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन होंगे, ठीक है, और बहुत सारे टीचर्स भी होंगे, मैं ये भी नहीं कह रहा हूँ कि सारे शॉर्ट्स मुझे याद है, मैं ये भी नहीं कह रहा हूँ, ठीक है, सारे शॉर्टकट्स मुझे ही आते हैं, ठीक है, लेकिन आप सिर्फ पर्टिकुलर क्वेश्चंस को टारगेट करके आप ये बोलो दूसरे टीचर्स को कि सर तुम्हें कुछ नहीं आता है, तो सर ये गलतफहमी है।
ठीक है, ये गलत फहमी है कि आप पर्टिकुलर एक क्वेश्चन को टारगेट करके सर ये शॉर्ट्स इसका छोटा नहीं बना सकते, आप ये नहीं कर सकते। सर ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस होंगे जिनके शॉर्टकट्स आपको भी नहीं पता होंगे, और ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस होंगे जिसके शॉर्टकट्स मुझे भी नहीं पता होंगे, ठीक है, ऐसे बहुत सारे हो सकते हैं। तो सर आप हर किसी टीचर को नीचा दिखाना बंद करो। और बच्चे बहुत सारे मानते हैं कि सर सर आपके व्यूज कम है, आपके सब्सक्राइबर्स कम है। बेटा ये चीजें खरीदी जा सकती, ये बात सब जानते हैं, ठीक है, सब जानते हैं, ठीक। किसी दिन तुम्हारा मन करता होगा कि सर ये काम करके दिखा दो, तो 50,000 52,000 का चैनल है अपना, ठीक है, मैं भी दिखा दूंगा इस पे 13,000 लाइव, मैं दिखा दूंगा इस पे 13,000 लाइव। लेकिन मैं वो चीजें नहीं करना चाहता, मैं ये चाहता हूँ कि जो चलता आ रहा है वो ठीक है, ठीक है। बेटा 10 देखो, 15 देखे, 20 देखे, 100 देखे, 1,000 देखे, मुझे इस बात से बिल्कुल कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, ठीक है ना। मुझे पहले कोई फर्क पड़ रहा था, ना मुझे अब पड़ रहा है, क्योंकि अपना चल रहा है ऑफलाइन का दबा के शानदार, ठीक है। आप चेक करो, किसी का मन करता हो तो केडी कैंपस केडी लाइव आप ऑफलाइन आके देखोगे तो आपको फीलिंग आएगी, पता चलेगा कि सर असली टीचिंग क्या होती। कैमरे के सामने तो कोई भी आके बोल देता कुछ भी, ठीक है, आके देखो ना ऑफलाइन, तब पता चलेगा सर मामला ऑफलाइन में क्या होता, ठीक है। जब बच्चा बिल्कुल आमने सामने बैठा होता, ठीक है, तब पता चलता ना रियल क्वालिटी का क्या होती, रियल क्वालिटी। बस समझ आ रही है? तो एक एक चीजें ऐसी हो सकती, मैं फिर बोल रहा हूँ, मेरी सब टीचर्स के साथ रेस्पेक्ट है, पहले भी थी अभी भी है, और मैं किसी को नीचे नहीं दिखाना चाहता। लेकिन जो चीजें पहले किसी के साथ करके आप आए होंगे तो सर तैयार है ना उस चीज के लिए, क्योंकि आपके साथ भी होंगी वो कहानी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, थैंक यू, गॉड ब्लेस यू।